तारीफ कर रहे हैं। मत देखिएगा, मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। वीडियो फॉरवर्ड मत कीजिए, बिल्कुल पूरी वीडियो देखिए। Thank you.
अजीब डायलॉग की रिक्वेस्ट करने से मैं और वो डायलॉग किसी पहले ही बोल दूँ, पर मेरे कहने से बोले डायलॉग बोले कि कागज़ के टुकड़े पर मोहर लगेगी तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान ही जाएगा? अगर एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान में ही जाएगा? उसे उसके परिवार उसके बच्चे अपनी बाइक से मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता, कोई सरहद रोक नहीं सकते। प्यार की कोई सरहद नहीं होती। अभिषेक गदर दो के घरों के लिए क्या कहना चाहिए? सनी भाई थोड़ा फेवरेट गाना कौन सा? सो एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस बहुत ही प्यारी जोड़ी, एक बार जोरदार प्लीज। गाजीपुर तो मजा नहीं आ रहा यार, खींच गए यार। अभी एक बार रिक्वेस्ट इस मूवी के डायरेक्टर साहब को स्टेज पर आने के लिए, अनिल शर्मा जी के भी हाथ में से प्लीज। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस मूवी के डायरेक्टर अनिल जी के लिए भाई खींच के। अनिल जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अनिल जी पूरी ऑडियंस मेरे साथ ये जानना चाह रही है आपसे कि चारों तरफ गदर गदर हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ऐसी ही कदर की थी लेकिन इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने नहीं की, लेकिन अब सब लोग करेंगे जब गदर टू आ रही है। और मैं लोगों का प्यार देख के अभिभूत हो गया हूँ। 10-15 हज़ार आदमी बाहर भी खड़े हैं, ये समझ नहीं आ रहा कैसे चल रहा है, समझ आ रहा है। आप तालियां बजाते बजाते थक जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। इतना सनी सर के इतने जबरदस्त डायलॉग्स हैं कि बस आपके लिए एक ये फिल्म एक उत्सव की तरह रहेगी। और आप हर 10 मिनट में एक ताली आपको मिलेगी। गानों के साथ गदर का पुराना रिश्ता है, दो गाने रीति में किए हैं इस मूवी में, क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा मिथुन ने जो किया है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट।
उदित जी अभी भी स्टेज पर हैं। सर ये वो चीजें हैं जो मेरे पास अभी आ रही हैं। उदित जी के लिए जोरदार तालियां प्लीज। कमाल गाजियाबाद एनर्जी कितने गई। जो जो डायलॉग बोल लगे मैं संदीप अजी को पर्सनली रिक्वेस्ट करवा के दोबारा बोलूंगा, पर एनर्जी खत्म नहीं होनी चाहिए प्लीज। उदित नारायण ये। अच्छा एक चीज ना मैं पूरी टीम के साथ शेयर करना चाहूंगा। हटाओ बाइक चौक एक सेकंड रुक जा, कर रहा हूँ ना बात अभी तुम्हारे। हाँ अब सुनो, अब ठीक है, अब ठीक है, चलो ठीक है, अब ठीक है, ओके। सो संदीप अजी ऐसे ठीक है, मैं रिसर्च कर रहा था मूवी पे अपने से पहले, लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रखे हैं ट्रेलर के नीचे, आपके डायलॉग को रिक्रिएट करके कमेंट्स कर रखे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कदर ब्लॉकबस्टर थी, कदर ब्लॉकबस्टर है और कदर ब्लॉकबस्टर। उत्कर्ष भाई अब मेरे को बैठने को बात करनी पड़ी मैम, ठीक है, पर ये क्यूटनेस की बहुत तारीफ कर रहे हैं ये, प्लीज मेरे को भी थोड़े टिप दो, थोड़ा मेरा काम छाप खराब हो रहा है। इसका अरे ये तो बस पब्लिक का प्यार है, गदर वन को आपने इतना बेशुमार प्यार दिया, गदर टू के टीजर गाने और ट्रेलर इनको भी इतना ज्यादा प्यार दिया कि मतलब मैं खुले ना समा रहा हूँ। एंड आप पिक्चर को भी ऐसा ही प्यार दीजिए, उसमें जो भी इसकी कमी है और भी आपको और दिख जाएगी फिल्म में, तो उसे देखिए। सफर जब इतने दिग्गज कलाकारों के साथ, इतने बड़े सिंगरों के साथ और इतने बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर हो जाता है और पब्लिक का जब प्यार मिलता है तो बहुत सुकून मिलता है। Yes!
कैरेक्टर, ग्रेट कैरेक्टर, वन एंड ओनली अनिल जी। और हमारे मिठुन जी, क्या बात है, क्या काम किया आपने, गॉड ब्लेस यू। और गेम हीरो, आप सब लोगों ने उदित नारायण को भी इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है। आपके गाने सुपर सुपर हिट। जी इस कोने पे बैठे हैं, मैं आपको दिखा पाऊँ, ये लड़की खड़ी है उसमें, जस्ट पीछे सन्नी बाजी और अमीषा पटेल जी बैठे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि आप लोग इतनी सारी तादाद में हमारे लिए आए। तो फाइनली आ गया था भाई घर, लेकिन भाई इतनी भीड़ मैंने नहीं देखी कभी भी, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे जगह गया नहीं भाई किसी को सेलिब्रिटी को देखने विखने के चक्कर में। पहला चांस है जो मैं देखने गया था, अब मुझे नहीं पता था इतनी भीड़ होने वाली है, और शायद मुझे लग रहा है या तो इसी में इतनी भीड़ थी, क्योंकि वरुण धवन भी इसमें आया था, लेकिन उस टाइम पर इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ भैया इस टाइम पर थी। बहुत ज़्यादा भाई आते, मैं तो मतलब पूरा पसीने में नहा रखा था पूरी तरह, आते भाई नहाया पहले, उसके बाद भैया मैंने अपना ब्लॉग भैया एडिट करा। अब मैंने कहा थोड़ा सा भाई जो लास्ट का पॉइंट है वो बोल के काटूंगा। तो भाई जब मैं निकला वहाँ से
तो पब्लिक ने जो देखी मतलब बाहर निकलने के लिए भी सबर नहीं था भाई किसी को, रैलिंग से कूद रहे हैं, इधर से कूद रहे हैं, उधर से कूद रहे हैं, भाई साहब 5 मिनट तो मैं चुपचाप में खड़ा हो गया। मैं कहा पहले नहीं जाने दो, देखता हूँ कहाँ कहाँ तक कैसे जाएंगे। इतनी पब्लिक थी, मतलब मैंने सोचा कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँ, लेकिन सॉरी यार रिकॉर्ड नहीं कर पाया। भागा दौड़ी में अगर फ़ोन गिर जाता, टूट जाता, कुछ दिक्कत हो जाती, जो धरासुरा ब्लॉग जो मैं बनाया था ना वो भी सब मेरा ख़राब हो जाता। इस वजह से मैंने फ़ोन निकाला नहीं, जेब में रखा। मैंने कहा भाई अब मैं घर जाके वीडियो एंड कर दूँगा, मैं नहा धो के फ्रेश होने के बाद। लेकिन भाई दिल खुश हो गया भाई, गदर के मतलब पूरी टीम आई हुई थी गदर की, एक एक सिंगर आए हुए थे, और इतना मतलब कहते हैं ना आप, देखो मैं ब्लॉग में देखो मैंने बिल्कुल भी म्यूजिक नहीं डाला दोस्तों, बताया दोस्तों कॉपीराइट आ जाता है। तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा ब्लॉग वैसे दिखा दूंगा, म्यूजिक नहीं डालूंगा बिल्कुल भी, म्यूजिक पे मैं अपनी ट्यून लगा दूंगा जो मैं लगाता हूं हमेशा, क्योंकि फिर वो म्यूजिक लगाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। जबकि भाई क्या कहते हैं मिथुन जी ने और क्या कहते हैं दानिश ने, वो दानिश जी भी आए थे भाई, इतना बढ़िया गाना गाया था, ज़बरदस्त, दिल खुश हो गया सुन के, लाइव सुन के। और उदित नारायण ज़बरदस्त भाई, दिल खुश हो गया रियली यार, लाइव देख के ना मज़ा ही आ गया भाई साहब, लाइव सुना है पहली बार किसी को तो मज़ा आ गया, तो बहुत मज़ा आया भाई साहब। बाकी तो भाई सन्नी देओल जी के एंट्री और आने का जो उन्होंने डांस करा, और अमीषा पटेल, दिल खुश कर दिया यार जिसे कहते हैं, मज़ा आ गया। तो सब फिर सन्नी देओल जी से डायलॉग भी बुलवाए गए थे जो मैंने इस वाले ब्लॉग में डाले हैं, आपने देखे ही हैं। तो इस तरीके से रहा कुछ आज का दिन भाई, जब उनकी एंट्री थी वो भी कैप्चर करी है, जब वो गए थे वो भी कैप्चर करी है, और अंदर की वो ऑडिशन जितनी भी थी उनको भी कैप्चर किया है, एक एक बंदे को कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, मतलब चिल्ला, आपने आवाज़ तो सुनी थी पहले वाले कल वाले ब्लॉग में किस तरीके से चिल्ला रहे थे, बीच में डांस कर रहे थे, एक वो जो लड़ाई हो गई थी टी शर्ट के ऊपर वो उसकी बोली लगी थी, बोली उसमें बोली लगाई थी तो उनने ऐसे करके फेंकी फट देनी सी, अरे एक बंदे के हाथ में आई, उनने 3 जनों ने पकड़ ली, और वो 3 जने इतनी बुरी तरीके से लड़े भाई, बहुत बुरी तरीके से लड़े, जन बटन मुझे लग रहा फट ही गई भाई, 100% फट गई होगी। और एक बार दोस्तों मैं ना जब मैं पानी पीने के लिए बाहर साइड में गया ना, तो मैं खंबे के साथ जाके खड़ा हो गया, जहाँ मैं ऊपर चढ़ के मैंने एक वीडियो बनाई थी थोड़ी सी कि मैं पब्लिक का रिएक्शन ले लेता हूँ थोड़ा, वहाँ पर अचानक से शॉट लग गया, हल्का सा करंट लग गया, पता नहीं कैसे आया एकदम से सारे के सारे उस पर से कूद गए, मेरे भी लगा तो भाई मैं भी कूद गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया भाई। मैंने उसके बाद नहीं चढ़ा, मैंने अपना पानी वानी ख़रीदा अपना पिया, और उसके बाद जाके भैया अपनी जो आगे वाली सीट थी जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था वहीं जाके अपना मैं खड़ा हो गया, वहीं से मैंने अपना ब्लॉग शूट करा। और लोग कुछ इतने अजीब होते हैं यार, जिन्हें अच्छी खासी सीटें मिली हुई थी सीटों से भी खड़े होकर अपने वीडियो बना रहे, उन्होंने हमें और डिस्टर्ब कर दिया था, लेकिन बहुत गलत तरीका। लेकिन भाई मज़ा आ गया, मैंने तो भैया आगे बंदों से दोस्ती कर ली थी, उनके साथ खड़ा हो गया था। एक भाई और थे ब्लॉगर जो अपना सिस्टम म्यूजिक व्यूजिक वाला इनका पूरा सेटअप वालों के साथ थे, उनसे दोस्ती हुई थी, उन्होंने पूछा कि भैया ब्लॉग बना, तो मैंने कहा जी वगैरह मैं भी बनाता हूँ। उनके सब्सक्राइबर कम थे मेरे से, कह रहे थे भैया लेकिन आपने काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब आगे बढ़ा लिया, कह रहा है मेरे को बहुत टाइम हो गया है, मेरी उनसे काफ़ी देर बात हुई थी बट मैं ब्लॉग में ले नहीं पाया यार, क्योंकि मेरी कुछ 2-4 वीडियो मैं आपको ले नहीं बताऊँ, 2-4 वीडियो मेरी पता नहीं कैसे ख़राब हो गई, वो मेमोरी की वजह से कैसे ख़राब हो गई, स्कैम कुछ करके लिखा आ रहा है और वो चल नहीं पा रही है, मैंने रीस्टार्ट करके देख लिया, हर तरीके से फ़ोन करके देख लिया, नहीं हो पा रहा। लेकिन फाइनली दोस्तों मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा रहा, और जिस तरीके से लोगों ने देखा ब्लॉग को, सपोर्ट करा है, कमेंट करे हैं और सब्सक्राइबर बढ़े हैं, दिल से लगता है यार लोगों ने सपोर्ट दिल से ही किया है यार, और अच्छे से सबने ब्लॉग देखा है। तो ये वाला ब्लॉग भी आप लोगों ने देखा है और देख ही रहे हो, क्या रिस्पॉन्स इस पर आता है वो पता चलना चाहिए। और बाकी आगे अच्छी अपडेट आने वाली है मेरे थ्रू आप लोगों को कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैंने एक टूर पर जा रहा हूँ भाई बाहर घूमने के लिए, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल यार कमेंट करना, और जो नए सब्सक्राइबर हैं मेरे जो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी, वीडियो फॉरवर्ड मत कीजिए बिल्कुल, पूरी वीडियो देखिए, कितने मिनट की वीडियो है यार, 25 मिनट 20 मिनट की वीडियो होती है, आराम से पूरी देखोगे समझ में आएगा, रिएक्शन देखोगे लोग पब्लिक को, देखो क्या कर रहे हैं, क्या हल्ला मचा रहे हैं, सकीना भाभी कर रहे हैं भाई एकदम, मैं हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया था उस सीन पर, ज़बरदस्त एक एक डायलॉग निकल के आ रहे थे लोगों को किस तरीके से आते, तो ये सब चीज़ देखने इसलिए कह रहा हूँ फॉरवर्ड मत करना, पूरी वीडियो कंटिन्यू देखना, एक वीडियो देख लोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों यार, और मुझे पता नहीं यार आप वीडियो फॉरवर्ड करके देखते हो कैसे देख लेकिन इन वीडियो को देख लेना पूरी करके, बहुत मेहनत करिए, भीड़ भड़क के मैं जिस तरीके से मैं खड़ा रहा हूँ मुझे ही पता है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी वहाँ पर, इतनी हिम्मत टूट चुकी थी एक बार तो मेरी बिल्कुल, लेकिन मैंने फिर भी अपने भाई हिम्मत नहीं आ रही हो, मैंने अपना ब्लॉग कंटिन्यू रखा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ, होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय एंड गुड नाइट।